अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राणा उस्मान दिलदार पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। आज मैं डिस्कस करूंगा प्रेसेंट 10 एके विलाज को, इनके प्राइस एनालिसिस करेंगे, आपको थोड़ा सा बताएंगे यहां पर जो करंट रेट्स हैं कहां तक चल रहे हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेसेंट 10 ए की गैलरी के बारे में जो कि ऑपरेशनल है, आप सबको पता है। साथ ही एक्स्ट्रा इन्होंने मरहबा सुपर स्टोर दिया है यहाँ पे, जैसे प्रेसेंट 2 में इन्होंने बिलाल सुपर स्टोर अलग से दिया था। तो यहाँ पर फुली ऑपरेशनल है, ये एरिया सारा फुली ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे कोई भी ऐसा विला आपको नॉन रेडी या ग्रे फॉर्म में नहीं देखने को मिलता। चंद एक स्ट्रीट है जो वहाँ पे 4-5 विलाज हैं, वो भी नियर टू रेडी हैं। अगर इस एरिया की बात करें यहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन की, तो मेरे ख्याल से प्रेसेंट 2 के बाद सबसे ज़्यादा अगर फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पर, रहाइश पजीर हैं, तो वो प्रेसेंट 10 ए है। जी हाँ, इसके बाद अगर बात करें तो प्रेसेंट 11 ए के विलाज़ हैं जहाँ पर फैमिलीज़ काफ़ी हद तक मूव हो चुकी हैं, और वो भी आप उसे भी फुली ऑक्यूपाइड कह सकते हैं। इसकी सराउंडिंग की मैं बात करता चलूँ तो सबसे अच्छी जो कुछ हाई कैचिंग चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे बैरियर हाइट्स हैं, बैरियर हाइट्स को भी टावर ए और एच को पोजेशन मिलने वाला है, वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव होंगे और अच्छी खासी वहाँ पर पॉपुलेशन होगी। अब बात करूँगा साथ ही डेस्कॉन टावर्स की, जो बिल्कुल जिनकी कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है कंप्लीशन का, और साथ ही इसके बिल्कुल अली ब्लॉक है 125 यार्ड का, 250 यार्ड का प्रेसेंट है, मेच्योर प्रेसेंट है, आप सबको पता है वहाँ पर ऑलमोस्ट 800 से 1000 घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, वहाँ पर भी फैमिलीज़ काफ़ी हद तक मूव हो चुकी हैं। देखें, ये जो अली स्क्वायर है इसके राउंड अबाउट में जितने भी प्रेसेंट्स आते हैं ये फुली मेच्योर और ऑक्यूपाइड प्रेसेंट्स हैं। यहाँ पे लोगों को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ती। जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे उन्हें मिल जाती हैं। जैसे ये 10 ए की गैलरी है, और इसके अलावा अब इन फ्यूचर बैरियर हाइट्स में जो शॉप्स दी गई हैं हाइट्स के नीचे, टावर्स के नीचे, वो भी ऑपरेशनल कर दी जाएंगी थोड़ी ही देर बाद। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एक पार्क दिया गया है, उसकी कटिंग आप देख सकते हैं, उसमें जो बच्चों के झूले वगैरह लगाए गए हैं, स्विंग्स वगैरह और स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। और यहाँ पर शाम के टाइम बच्चे निकलते हैं, फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर वॉक एंड टॉक करते हैं, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो प्ले ग्राउंड में प्ले करते हैं। साथ ही मेरे ये लूप रोड है, लूप रोड से आपको थोड़ा सा दिखाएंगे इसकी ग्राउंड रियलिटी, आप देखें कि किस हद तक यहाँ पर फैमिलीज़ शिफ्ट हो चुकी हैं, और लोगों ने बहुत सारे यहाँ पर जो अपने लॉन वगैरह हैं बड़े अच्छे डिज़ाइन किए हैं, यहाँ पर प्लांटिंग वगैरह की गई है और ग्रासिक से लॉन बनाए गए हैं, और यहाँ पर जो लश ग्रीन एरिया है वो हर तरफ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इसके रोड स्ट्रीट्स की बात करें, डीबीज़ वगैरह की बात करें, तो ये एक फुली 100% डेवलपमेंट एरिया है। हर चीज़ यहाँ पे आपको बड़ी नफासत के साथ आप देख सकते हैं लगाई गई है। और प्रेसेंट 10 ए की मैं बात करूँ तो ये हाइट पर मौजूद है, बहरिया टाउन में जो हाइटेड एरियाज़ हैं वो मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट प्रेफरेबल एरियाज़ हैं, उनमें एक प्रेसेंट 10 ए भी है। और आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही जो लेजीएस्ट रोड है उससे डाउनवर्ड जब हम जाते हैं नीचे, वहाँ पर 10 बी के जो प्लॉट्स हैं 125 के, उनकी कटिंग दी गई है। बड़ा अच्छा ये एरिया है लोगों के रहने के लिए भी, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देखें बहरिया टाउन में ओवरऑल जितने भी विलाज़ हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यहाँ पर आते हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट गेन करते हैं। जो विलाज़ हैं, मैं हमेशा से अपने कस्टमर्स को कहता हूँ, व्यूअर्स को कहता हूँ कि यहाँ पर विलाज़ की मार्केट जो है वो काफ़ी फास्ट ट्रैक पर चलती है, इनके रेट्स जो हैं वो डेली बेसिस पर इंक्रीज़ होते हैं 25-50 हज़ार के हिसाब से, ठीक है। तो कभी भी विलाज की मार्केट जो है वो स्लो डाउन नहीं होती। आफ्टर बहरिया का जो ये जो एक ब्लैक डे गुजरा है 6 जून का, इसके बाद भी अगर हम देखें तो विलाज की मार्केट में कोई भी कमी नहीं आई, मार्केट स्टैंड बाय है और फास्ट ट्रैक पे चल रही है। इन विलाज की रेट्स में कमी नहीं आई। ये मेरे बिल्कुल सामने आप देखें, ये शॉपिंग गैलरी है जो फुली ऑपरेशनल है, इसमें आपको हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी मिलती है, ठीक है, आपको यहाँ पर बुटीक भी मिलती है, हर चीज़ आपको एक छत के नीचे आपको यहाँ पर मिलती है। और साथ ही मरहबा सुपर स्टोर है जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर
मिल जाती है। और साथ ही इसके मॉस्क है जो माशाल्लाह से ऑपरेशनल कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा काम रहता था इसका, वो भी कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह ऑपरेशन कर दी गई। बड़ी खूबसूरत मॉस्क है। और अब मैं बात करूँगा 11A की, 11A भी बिल्कुल सेम इसी तरह इसी तर्ज तमीर का प्रेसेंट है। अब वहाँ पर विलाज भी 200 yard के हैं, लेकिन साथ ही उसमें 152 yard के भी विलाज दिए गए। अब मैं इनके प्राइजेस की बात करूँगा। देखें, जो स्ट्रीट्स अभी ग्रे फॉर्म में हैं वहाँ पर अगर मैं 10A के विलाज की बात करूँ विदाउट की विलाज की, तो वो आपको आज की डेट में 170 से 175 के इन बिटवीन विला बसानी मिल जाता है। अगर कुछ ब्रांड न्यू और स्लाइटली यूज्ड विलाज की बात मैं करूं विद की विलाज की, तो वो आज की डेट में आपको 180 से 185 से 2 crore के इन बिटवीन आपको जनरल टू कैटेगरी विला बसानी मिल जाता है। यहां पर विलाज सेल एंड परचेज करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी वक्त। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंशन होगा +92 324 221 9702 मेरा नंबर है। किसी भी वक्त आप रब्ता करें और मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।